मेवान और उसके पप्पा की मस्ती चालू हो गई। अब इसको नींद तो नहीं आ रही और पप्पा को भी काम नहीं करने दे रहा। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मीवान गादेवाल ब्लॉग्स में और आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज है थर्सडे, अभी भी मेरी एडिटिंग चली रही है, काफ़ी लेट हो गया, रात को टाइम ही नहीं मिला, काफ़ी लेट चला मेरा नाइट शिफ्ट, तो इसलिए अभी बैठ के कैसे भी जल्दी जल्दी एडिटिंग करके अपलोड करना है वीडियो। और बेटा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोलो बेटा। इसको ये आटे से खेलना बहुत पसंद है, ये आटे के ऐसे बॉल्स बना के ही खेलता है इसे, ये ऐसे, और ये कम से कम 1-2 दिन तक ऐसे ही खेल सकता है। वो आटा बिल्कुल ड्राई हो चुका है और घर में आज सबका फास्ट है। यस, तो नाश्ते में तो आज है मूंगफली के लड्डू और खजूर, बस यही नाश्ता है आज का पूरे दिन भर का। क्या भाई जी, हाँ इसको ये भी बहुत एक्साइटेड हो रहा है। हाँ क्या करना है बेटा, अभी अभी बॉ कहाँ है, बॉ किधर है? हाँ बॉल दिखा, बॉल दिखा अपना, फिर से बॉल दिखाओ। हाँ तो रोज की तरह प्रिया निकल चुकी है ऑफिस के लिए और मेरा फिर से मिलना नहीं हुआ उसके उसके साथ। 9:15 पे ही निकल गई, मैं उठाई 9:35 पे आई थिंक, इसलिए लेट हो गया कल रात को ही, इसलिए उठने को भी आज लेट हो गया। चिकू भी नाश्ता ही कर रहा है मेरे साथ, वही लड्डू वाला, इसको पसंद आ गया, टेस्टी है बेटा। टेस्टी है, इसको अच्छा लगा, पसंद आया इसको। ओ लड्डू, बॉटल ले क्या, पानी बॉटल ले क्या, चुकू मेरे को फिर से लेके गया किचन में और बोला मुझे वापस लड्डू चाहिए यही वाला, और यही लड्डू इसको बहुत पसंद आया। चिको खाने बेटा, ये चाहिए ये, हाँ यस। तो अभी हमने ले लिया चिको की राइड, चिको ने खुद बुलाया मुझे कि चलो पापा साथ में खेलेंगे, तो ये रही उसकी राइड। अभी बज गए सुबह के 11:30 और ये देखो चीकू, इसको बैठने के लिए सिर्फ यही चाहिए था, इसकी मौसी ने इतने दूर से इसको ये इतना सा प्यारा सा गिफ्ट भेजा हुआ है बैठने के लिए, सोफा भेजा है। ये देखो ये सोफा का हाल इसका, ये देखिए इतना मस्त सोफा है, पर इसको इसी में बैठना है, इसके साथ ही खेलना है ना चीकू। तो ये वाला टॉय नहीं चाहिए क्या बेटा, ये नहीं चाहिए क्या, ये नहीं चाहिए क्या, हाँ हाँ? ये डर मतलब इसकी गाड़ी क्या है ये चिकू, व्हाट इज दिस चिकू, क्या है वो चिकू, कहा है सांग नहीं, ये क्या है बेटा। हाँ तो चिकू का लंच और उसका खेलना साथ में ही चालू है, नहीं खाएगा, खाओ ना बेटा पराठा खाओ ना, हाँ खाओ, हाँ गुड बॉय खाओ, नहीं मैं खिलाता ऐसा ऐसा डायरेक्ट, ऐसा डायरेक्ट खाना। ये इसके टॉय इधर, हाँ अपना टॉय दिखाओ। प्रिया भी आ गई है तो अभी हम उपवास में खाने वाले हैं बगर, पे क्या बोलते हैं बगर को पता नहीं, और बगर सिर्फ ऐसी टेस्टी नहीं लगती, उसके लिए हम लोग बनाते हैं ये मूंगफली का ग्रेवी टाइप आमटी, इसको हम लोग आमटी बोलते हैं महाराष्ट्र में, मराठी में आमटी है ये, शेंगदाने से आमटी, और आप इसे बोल सकते हैं ऐसे करी टाइप है, देखिए थिकनेस बहुत मस्त लगती है और इसके साथ खाने बहुत मज़ा आता है एक्चुअली। बगर ये बगर एक टाइप का उपास में खाते हैं इसे यहाँ पे। तो अभी हमारा हो गया चिकू के साथ खेलने का टाइम, ये ऐसे खेलते हैं, ये चिकू की ट्राई साइकिल,
छुपो एकदम फास्ट फास्ट एकदम फास्ट छुपो फास्ट कर एकदम फास्ट हाँ हाँ फास्ट एकदम। अरे बाप रे ये अन्ना भी लेके खेलते हैं उसके साथ, उसके टॉय बड़े बड़े से उसके साइज के टॉय ये देखो। क्या मजा आ रहा है उसको, चुको और फास्ट बेटा और फास्ट और फास्ट। तो उसके सोने से पहले वो थोड़ा ऐसे खेल लेता है मजे से, थोड़ा खेलता है फिर थक जाता है फिर सो जाता है। बारिश मानसून खत्म हो गई है यहाँ ऑलमोस्ट कराड़ में, हम जा रहे थे अच्छी खासी धूप है, इतनी कड़क धूप भी नहीं है, अच्छा लग रहा है। लेकिन क्या करें, लेकिन अभी बाहर जा नहीं सकते, कोई टाइम भी नहीं है, कुछ एक्सक्यूज़ भी नहीं है हमारे पास बाहर जाने का। काफ़ी अच्छा है, हवा चलती है मस्त, 2400 घंटे हवा चलती है इधर। यहाँ से और 150-200 किलोमीटर पे समुंदर आ जाता है, उस जगह का नाम दापोली, यस गणपति पुड़िया करके नाम है यहाँ पे, 150 किलोमीटर है यहीं से, तो अच्छा है वहाँ से, इसलिए समुंदर की लहरें हवाएँ यहाँ चलती रहती हैं आती रहती हैं, कुछ तो इफ़ेक्ट होता ही रहता है यहाँ पे। तो हाय दोस्तों, तो अपनी व्लॉगिंग चली रही है, अभी मैं अपना व्लॉग ही देख रहा था तब तक, और बज गए शाम के कुछ 5:10 हो गए यार, 5:10 बज गए, मेरा ऑफिस का भी काम शुरू ही होने लगा, 6:40 हो गए, काम शुरू ही कर दिया मैंने लॉगिन। एडिटिंग का कुछ काम रह गया था, एडिटिंग नहीं हो पाई मुझसे क्योंकि उतना टाइम नहीं मिला मुझे, देखते हैं फिर करते हैं काम अपने, वैसे ऑफिस का काम एक बार ख़त्म हो जाए थोड़ा फिर चिल रह सकता हूँ मैं, इसलिए थोड़ा ऑफिस के टाइम में थोड़ा टेंशन होता है, इसलिए मैं ज़्यादा एडिटिंग पे कुछ काम नहीं करता, मेरा ध्यान नहीं लगता, फोकस नहीं कर पाता। तो एक बार वो काम हो जाए ऑफिस का अपना, तो हम फिर एडिटिंग पे जंप कर सकते हैं। और मुझे लगता है 3:30-4 बजे जैसे ही लॉग ऑफ हो जाएगा तो थोड़ा आधा एक घंटा स्पेंड करूँगा, उसके बाद सुबह ऑलमोस्ट 5 बज जाएंगे सोते वक्त, तो 5 बजे जब सोऊंगा फिर तब तक मेरा वीडियो एटलीस्ट 10 बजे तक तो रेडी हो जाए, क्योंकि 2 दिन से मेरा वीडियो 10 बजे तक भी नहीं, 12 बजे तक भी नहीं, सीधा 2 या 3 बजे ही जाके अपलोड हो पा रहा है यूट्यूब पे। तो कोशिश करूँगा मैं कि जल्दी से जल्दी काम ख़त्म कर पाऊँ। तो दोस्तों अभी अपने ऑफिस के काम को तो हम कहीं छोड़ के जा सकते नहीं हैं, तो हम फिलहाल थोड़ा व्लॉगिंग से लेते हैं थोड़ा ब्रेक और काम पे करते हैं थोड़ा फोकस। ओ वेलकम बैक, वेलकम बैक अगेन, यू आर लेट। यस ड्यू टू एग्जाम। ओहो ये एग्जाम टाइम पे क्यों नहीं ख़त्म करते यार? हाँ वो लेट होता है ना, वो वाई उसी में तो, और अकेले थोड़ी देते, 4-5 सारे रहते, सब क्वेश्चन पूछते हैं, वो लेट 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 ही हो जाता है। कितने स्टूडेंट है सबका हो गया क्या? लेकिन यार कल भी आज लड़कियों का था, कल लड़कों का है, आज लड़कियों का फिनिश कर दिया, कल लड़कों का फिर से। वाह चलो अच्छा है, चलो जल्दी तो भी खत्म एग्जाम, नहीं तो मुझे तो लगा और लेट होने वाला है। तो प्रिया भी कॉलेज से आ गई है और यहाँ चिकू बहुत देर से परेशान हो रहा था बेचारा, बहुत देर से मम्मा मम्मा याद कर रहा था उसको। क्या चाहिए, क्या चाहिए? गाड़ी चाहिए। अरे उसको गाड़ी चाहिए, हाँ उसको गाड़ी चाहिए, ग्रीन कलर से ना आता है, भाई भाई डिनर में आज कुछ स्पेशल नहीं होने वाला है हमारे, तो हम सिंपली आज खाने वाले हैं आज भिंडी की सब्जी। 3 दिन से क्या? 3.5 किलो भिंडी होती है ना। प्रिया उसके एग्री कॉलेज से इतनी सारी भिंडी लेके आई थी, इतने सारे भिंडी लाए थे कि हमारे पास जमा कर करके 3 किलो भिंडी हो गई थी। तो आज सोचा हम भिंडी फ्राई बनाएंगे, भिंडी फ्राई खाएंगे। तो दोस्तों अभी काम चल ही रहा है मेरा, अभी हो गए या शाम के 7:08 हो गए एक्चुअली, और उधर US में 8:30 यार, टाइम देख के टेंशन आ जाता है कि कब वहाँ 5 बजेंगे और यहाँ कब 3:30 बजेंगे। देखते हैं जल्दी जल्दी काम ख़त्म करते हैं।
ये मीवान और उसकी मम्मी को नींद आ नहीं रही है और ये लोग मोबाइल में ऐसे ब्लॉग देख रहे हैं। मीवान इधर देखो, मीवान मीवान इधर देखो, वाओ मीवान का चश्मा। ओ मीवान, अरे वाह किसका चश्मा है ये? दादा किस है? पापा का ही है, मम्मा का है। अच्छा मम्मा का है क्या? ओहो सॉरी सॉरी, किसका है चिकू ये चश्मा? किसका है चिकू? चश्मा पहन के स्टाइल मार रहा है अभी से स्टाइल मार। और इसको पता है ऊपर रखना है चश्मा? अन्ना को दिखा जा। अन्ना को दिखा क्यों? अन्ना के दिखा क्यों? अन्ना को दिखा। तो डेली 10 बजे हम लोग का एक कॉल होता है मीटिंग, अभी कॉल आने वाला है, चालू हो गया ऑलमोस्ट। मीवान और उसके पापा की मस्ती चालू होगी, अब इसको नींद तो नहीं आ रही और पापा को भी काम नहीं करने दे रहा। तो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, और आशा करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आए, और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।